Come on Evergreen classes. In this part of the video, you will be learning one of the greatest metaphysical poet, John Donne. His beautiful poem, Sweetest Love, I Don't Go. Sweetest Love, I Don't Go. स्पेलिंग देखिए कैसे लिखा जाता था उस समय, GOE GO. ये जॉन डन के द्वारा लिखा गया, ये एक मेटाफिजिकल पोइट थे, तो इसके हम वोकैब को जो है करेंगे इस पार्ट ऑफ वीडियो में. तो सबसे पहला जो इसमें वर्ड है वो आपका है वेयरिनेस, WEARINESS. वेयरिनेस क्या है? एक आपका ओल्ड स्पेलिंग है, मतलब जो पुराना वाला स्पेलिंग है. और ये जो वेयरिनेस है WEARINESS, ये मॉडर्न स्पेलिंग है, ठीक है. तो इस वेयरिनेस, ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन यह है नाउन ही. इसका मीनिंग होते हैं टायर्डनेस, मीन्स थकावट. आपको कमेंट बॉक्स में बताना ये कौन सा नाउन है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका जस्ट, JEST. ये भी आपका एक नाउन है. इसके मीनिंग होते हैं समथिंग डन टू एम्यूज, मतलब आनंदित करने के लिए कुछ किया जाना, जोक जिसे कहते हैं, मजाक. इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके वो है डाई. ये एक वर्ब है, देखिए डाई की स्पेलिंग ऐसी होती थी वर्ब, ठीक है. डन्स स्पेशल वे ऑफ राइटिंग वाई फॉर आई, मतलब जो जॉन डन होते थे वो क्या करते थे, जहां पर मैं आई लिखना चाहिए था वहां पे क्या लिखते थे, वो वाई लिखा करते थे, ठीक है. तो इसीलिए यहां पे डाई की स्पेलिंग DIE हो करके नहीं बल्कि DYE हो गया, DIE नहीं है बल्कि DYE हो गया, ठीक है. इन्हीं लोगों ने इंग्लिश के रूप को बहुत बदला है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका यहाँ पे यस्टर नाइट. यस्टर जब भी लगता है किसी भी वर्ड में, यस्टर, तो वो पिछला बताता है, पिछला. जैसे यस्टर डे, यस्टर ईयर, मतलब पिछले साल, ये ध्यान रखने की बात है. यहाँ पे यस्टर नाइट जो है एक आपका एडवर्ब ग्रुप में काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होते हैं यहाँ पर में लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात. इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपका स्पर्स, SPURRES. ये OE है, मतलब ओल्ड इंग्लिश है, लेकिन आप मॉडर्न में अगर इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे ME का मतलब मॉडर्न इंग्लिश है, तो इसको SPURS, स्पर्स कहा जाता है. इसके मीनिंग होते हैं मोटिव, अपेंडिज, एग्जाम्पल ऑफ पन, मतलब आपका क्या ध्येय है, आपका क्या उद्देश्य है. ये एक पन का एग्जाम्पल है, जिसमें हम किसी के ऊपर कुछ बात बोल करके उसको कुछ हिलाने डुलाने का प्रयास करते हैं, तो उसी को यहाँ पे स्पर्स कहा जाता है. नेक्स्ट है आपका यहाँ पर में वो है देन, THEN देन. देखिए यहाँ पर में जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें THAN जो थे उसको भी THEN ही बोला जाता था. आपको पता होगा कि ये दोनों ही वर्ड अलग होते हैं, एक कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं और एक कनेक्टर के लिए या सेंटेंस को कनेक्शन बनाने के लिए किए जाते हैं. लेकिन ओल्ड इंग्लिश में यहाँ पर में THAN के बदले THEN का ही यूज़ इस्तेमाल होता था, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओल्ड इंग्लिश में यहाँ पर में THEN देन को भी THAN देन माना जाता था. तो THEN देन आज के मॉडर्न इंग्लिश में देखेंगे तो उसका मतलब तब होता है, और THAN देन को देखेंगे तो ये डिग्री में ज़्यादातर आता है, जैसे कि आप कंपैरेटिव डिग्री, ये सब हम नहीं पढ़ाए हैं टाइम के कारण जो है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट को देखना होता है साथ में, तो इस कारण से जो है हम नहीं करवा पाए हैं. तो ये जो देन होता है ये कॉम्पिटेटिव डिग्री होती है, जब आपको पता है कि दो थिंग्स को जो है कंपेयर कराई जाती है, दो चीज़ों को, किसी वस्तु को, किसी आदमी को, कोई भी चीज़ को कंपेयर कराई जाती है, तो वहाँ पे THAN देन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि समय के साथ जब मिडल इंग्लिश में आया तो ये THEN देन अलग हो गया, जिसका मीनिंग तब था या तब है अभी भी, और THAN देन जो है वो तो आप पढ़ ही रहे, ठीक है. लेकिन पहले ओल्ड इंग्लिश में आपको यहाँ पर मैं THAN को भी THEN ही पढ़ा जाता था. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मैं फीबल, FEEBLE, फीबल, ये आपका एडजेक्टिव है. इसके मीनिंग होते हैं फ्रेल या वीक, मतलब कमज़ोर होना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, इतना ज़्यादा कमज़ोर लगते हैं जैसे कि अब गिर जाएंगे, शरीर में कोई जान ही नहीं है, बिल्कुल वीक काइंड के हो जाते हैं, उसी को फीवल कहा जाता है.
इसके बाद यहाँ पे है साइस्ट, ठीक है, ये एक वर्ब है, ये ओल्ड इंग्लिश में है। मिडिल इंग्लिश में जाते हैं तो इसके स्पेलिंग SIGHS साइज हो जाते हैं। मैंने मिडिल इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश के बारे में बता दिया है तो अब हम आगे नहीं बताएंगे। तो इसके मीनिंग होते हैं आपके मौन, ये वर्ब में काम कर रहा है। मौन का मतलब होता है कि हल्का हल्का आवाज़ से बोलना, ग्रोन मतलब तकलीफ में हल्का हल्का कराहना, तो इसी को साइज कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैं आपके, वो है आपका डिवाइनिंग, DIVINING, ये एक एडजेक्टिव है, मीन्स परसीविंग, किसी चीज़ को अपने अंदर समझना, लेना। हेवनली मतलब जैसा लगे कि स्वर्ग में आप बैठे हुए हैं, ये आपका पन का एग्जांपल है। पन मतलब आप किसी वर्ड को इस तरीके से बोल रहे हैं जैसे कि उसमें आप एक अलग चीज़ पैदा करना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पे पन के रूप में, ये पन क्या है, आपका लिटरेरी डिवाइस है, जो लिटरेचर का पार्ट पढ़ाएंगे आपको उसमें बताएंगे। ये सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे आपके सिमिली होते हैं, मेटाफोर होते हैं, एग्जरेशन होते हैं, हाइपरबोलिक होते हैं, इसी तरह तरीके से पन भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पार्ट, PART, पार्ट क्या है, एक नाउन है। पार्ट के मीनिंग होते हैं फेवर यू मतलब आपका पक्ष लेना, टेक योर रोल मतलब आपका रोल लेना या आपका पक्ष लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट है और लास्ट है वो है आपका पार्टिट, PARTED। पार्टिट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होते हैं अलग किया हुआ या लेफ्ट किया हुआ, मतलब किसी को किसी से कोई छोड़ के चला जाता है, अलग कर देता है, तो उसमें भी पार्ट का यूज़ किया जाता है। इसके साथ ये जो है सारे वोकैब इसके एंड होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कोई और चैप्टर करेंगे।